बेंगलुरु में आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव टाल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कल कर्नाटक की 222 सीटों पर चुनाव होगा। आरआर नगर के जलाहल्ली इलाके में घर में 9,700 से ज्यादा फर्जी वोटर कार्ड मिले थे और इस मामले में कांग्रेस के विधायक मुनी रत्ना के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में 14 लोग आरोपी। जयपाल शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयपाल, और क्या डिटेल्स इस खबर को लेकर और क्या नई तारीख का ऐलान किया गया है, कब होगा चुनाव आरआर नगर में? देखिए, जिस तरह से आरआर नगर का मामला सामने में आया था और उसके बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए थे और पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है, तो पिछले दो दिनों के अंदर में कई सारे तथ्य उभर के सामने आए और उसके बाद कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक व मुनिस्ना है उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया और इस बात की कम से कम पुष्टि हो रही है कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वह उसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसने पहले भी मांग की थी कि इलेक्शन को फिलहाल के लिए टाल देना चाहिए और आज इलेक्शन कमीशन ने उस इलेक्शन इस मामले को गंभीरता से लिया है चुनाव आयोग ने और इसी वजह से चुनाव टालने का फैसला लिया गया है। तो 222 सीटों पर कल वोटिंग होगी कर्नाटक में और स्पेशल कवरेज आप देख पाएंगे Zee News पर 6 बजे से सुबह लगातार।